आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपको पॉलिसी के दौरान क्या क्या बेनिफिट्स देती है, और अगर आप कोई पॉलिसी करवाते हैं तो स्टेट लाइफ का एजेंट जो भी आपको पॉलिसी डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो आपको क्या क्या चीज़ें बताते हैं और आप उसमें से कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो आपको बेनिफिट देती है या जो आपको राइडर्स देती है उसमें होता है AIP। ओके, AIP का मतलब होता है एक्सीडेंट डेथ इंडेमनिटी बेनिफिट, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं एक्सीडेंट इंजरी बेनिफिट। ओके, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपने अपनी पॉलिसी में AIP लिया है तो AIP में ये होता है कि अगर दुराने पॉलिसी खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उस एक्सीडेंट के दौरान जो है कोई इंजरी आती है, फॉर एग्जांपल आपका हाथ का अंगूठा या फिर आइस चली जाती है, इस तरह की कोई भी इंजरी आती है तो उसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है क्लेम देती है। ओके, यानी इंजरी क्लेम देती है। ओके, AIP ये है। तो अगर कोई भी शख्स पॉलिसी करवाए और अगर उसकी खासतौर पर सेल्स वगैरह की जॉब पे या कोई ऐसे काम है उसके जिसमें इंजरीज वगैरह आती रहती है तो वो इस बेनिफिट को ले सकता है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद है और मैंने 2006 में एक स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली थी और वो चलती रही। अब माशाल्लाह से मैच्योर हुई है। मेरे जहन जहन में क्वेश्चन थे कि भाई कोई तंग तो नहीं करते, कोई बैरियर तो नहीं है, कोई हिच तो नहीं है, फेरे तो नहीं लगवाते। माशाल्लाह स्मूथली एक फॉर्म मैंने फिल किया है, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ। आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, ये नहीं कि आपके सिग्नेचर चेंज हो गए, आपका कुछ और इस तरह का हो गया इशू। आप बाकी आप अगर फेयर हैं, आपने सिंपल एक वो पॉलिसी ओरिजिनल मैंने जमा कराई है और विद इन 20 डेज जो है वो मेरे अकाउंट में रकम आ गई, कहीं नहीं जाना पड़ा और मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। और इसी वजह से अब क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं दोबारा पॉलिसी ले रहा हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड सेल्स मैनेजर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक और प्लान बताऊंगा। दोस्तों इस प्लान का नाम एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है और इस प्लान में आपको जो है साल के जो है 60,000 रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को पे करने हैं। 20 साल का ये प्लान होगा और 20 साल के बाद जो इसकी आपको मेच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी तकरीबन 48 लाख से 50 लाख एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी मिलेगी। मेच्योरिटी दोस्तों फिक्स नहीं है, जिस तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा होगा उसी हिसाब से आपको आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी मेच्योरिटी मिलेगी। 260,000 रुपये साल के आपको पे करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पास जो है 5,000 रुपये अगर माहाना बुनियाद पे सेव करेंगे तो आप इजीली जो है 60,000 रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अदा कर सकते हैं। 60,000 रुपये साल के आपको पे करने पड़ेंगे, सालाना बुनियाद पे ये पॉलिसी होगी और 20 साल के बाद इसकी मेच्योरिटी 48 लाख से 50 लाख एक्सपेक्टेड होगी। इसमें दोस्तों और भी बेनिफिट्स होंगे, अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल या 5 साल या 10 साल हो जाते हैं या 15 साल हो जाते हैं और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से कर्जे की सहूलत भी मौजूद होती है। जी हाँ, आप लोन भी हासिल कर सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से। इसके अलावा दोस्तों अगर दुराने पॉलिसी खुदा ना खासा डेथ हो जाती है तो नॉर्मल डेथ में फैमिली को नेचुरल डेथ की मद में फैमिली को 12 लाख जमा शुदा बोनस मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर खुदा ना खासा एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है तो उस सूरत में 24 लाख जमा शुदा बोनस मिलता है। बाकी 20 साल के बाद जो मेच्योरिटी आपको मिलेगी 48 लाख से 50 लाख, उस मिलने वाली रकम से आप अपने बच्चों की शादी भी कर सकते हैं, उनको हाई एजुकेशन भी दिलवा सकते हैं, कोई कारोबार वगैरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी बाई कर सकते हैं। जो भी आपके मकासद हैं उसको आप इस मिलने वाली अमाउंट से पूरा कर सकते हैं। तो इस प्लान में दोस्तों यही तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इस सिलसिले में अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर। आज फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। दोस्तों पहले तो मैंने मशहूरी में सुना था कि स्टेट लाइफ ये करती है वो करती है, लेकिन आज जब मुझे चेक मिला 20 साल बाद, खुदा जानता है मुझे यकीन हो गया और मैंने खुद भी स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर लिया है कि लोगों की भलाई कर सकूं। ये आपकी अपनी भलाई है, आपके बच्चों की भलाई है, आने वाले वक्त की भलाई है।